अभाव में सीख के वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। एग्जाम्पल दूंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाय बेचते थे ना, चाय बेच के वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इतने सारे सिंगर हैं, लता जी की जीवनी जब आप देखेंगे, इतना कठिन उनका जीवन, इतना कठिन, फिर भी उनको जहाँ जाना था वो पहुँच गए। चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ढक बजा का सुर बजाओ लो तेर शख बजा बो छोर पोरे आबारे लो माजे, पुजो पुजो गंध निये नतुन गानेर छंद निये शारो दे आए खुशी ते मन नाचे। दो लाइनें मैं सुनाऊंगी। जीवाम शमाई ताने नियनिल कालंगन मुन वन्नो, आत्मा विनुल्लि ईरन तो मन्या दुरादि पेदु निये। मधिर मन साले मधुर घन आले धुक्या सख्या प्रिया सरी तुनी सुरेल धुंद स्वर आले। दोस्तों, इस चेहरे से आप भली भांति परिचित होंगे, आपने पहले भी हनी का वीडियो देखा है किस तरह हनी गाती है, और काफी प्यार भी आपने इस वीडियो को दिया था। साथ ही साथ हनी की चर्चा जो है पूरे बिहार में होने लगी है, इस बेटी की चर्चा आप कहीं ना कहीं सब लोग करने लगे हैं कि बेटी आगे बढ़े। हनी में एक और टैलेंट छुपा हुआ है, हनी को कई भाषाओं में गाना आता है। आज उन भाषाओं का गाना सुनेंगे, किस प्रकार ये भाषा में गाना गाती हैं, कैसे इनका रुचि जो है उस तरफ गया, और साथ ही साथ किस तरह गाती है। हनी कितने भाषाओं में गाना गा लेती हैं आप? 5 से 6 भाषाओं में कोशिश करती हूँ गाने की, और भी मेरा इंटरेस्ट है कि जितने भाषाएं मैं कवर कर सकूँ कोशिश रहेगी मेरी। चलिए एक बता दें आपको कि 4-5 भाषाएं उनका लिस्ट मेरे पास है, आपको बताते हैं कि हनी को जो है कौन कौन भाषाओं में गाना आता है। आपको बता दें कि कन्नड़ भाषा में हनी गा लेती हैं, पंजाबी भाषा में गा लेती हैं, मराठी में गा लेती हैं, बंगाली में गा लेती हैं, मैथिली कहीं ना कहीं काफ़ी पसंद किया जाता है बिहार में, काफ़ी मीठी भाषा होती है मैथिली। और आपको बता दें कि मैथिली के बाद भोजपुरी में भी हनी गाना गाती हैं। सबसे पहले मैथिली में गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि मिथिला क्षेत्र से हम आते हैं, तो मिथिला का गाना कोई भी प्यारा सा गाना आपके मुख से सुनना चाहेंगे। ये जो गाना है मैथिली में जो मैं अभी गाने जा रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे इसने 1 मिलियन क्रॉस किया है। मैंने यूं ही अपलोड किया था रिकॉर्ड करके और 1 मिलियन क्रॉस कर गया, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। सुना साट कुनिया हो दिनानात, हे घूमई छासन सार, हे घूमई छासन सार, आन दिना गई छाहो दिनानात, आहे भोर भीन सार, आहे भोर भीन सार, आजो के दिना वाहो दिनानात, हे लागल चलिए। छठ का नाम सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अलग स्टार्स होता है छठ को लेकर, कितना प्यारा गाना। अच्छा, अब भोजपुरी में गाना सुनना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं बिहार में काफी अधिक बोली भी जाती है भाषा, उसके बारे में भोजपुरी का एक सॉन्ग। ये भी छठ का ही मुझे आता है। काचा ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुई ना देवर जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। चलिए, हमारा पड़ोसी राज्य बंगाल का
कोई ऐसा प्यारा सा गाना? हाँ, बंगाल का एक श्रेया जी का बहुत ही प्यारा गाना है, वो भजन ही है माता जी का, वो सुनाना चाहूँगी। ढाक बाजा का सुर बाजा लो तेर शाख बाजा बछर परे आबारे लो माजे पुजो पुजो गंध निये नतुन गानेर छंद निये शारदे आय खुशीते मन नाचे इलो 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 मा दुर्गा मा अरे इलो 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 मा दुर्गा मा। बंगाल में जो है दुर्गा पूजा काफ़ी प्रधानता है, बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी भव्य होता है, काफ़ी तैयारियां होती हैं काफ़ी पहले से ही। चलिए अब कर्नाटक का लैंग्वेज कन्नड़ भाषा में जो है कन्नड़ का एक गाना हो जाए। कन्नड़ का दो लाइनें मैं सुनाऊंगी। जीवाम शमाय ताने नील कालंगन मुन वन्नो आत्मा विनुल्लिल ईरंतो मन्याय तुरादि पेदु नीये। क्या मतलब हुआ इस गाने का, समझ तो आया नहीं हम लोगों को। ये गाना जो है एक तो रोमांटिक सॉन्ग है, इसमें बताया जा रहा है कि आप मेरे दिल में समाए हैं, जीवाम शमाए, तो ऐसा ही कुछ मीनिंग है। मतलब गाने की फील को पकड़ के गाने की कोशिश करती हूँ, और मीनिंग तो ट्रांसलेशन आपको गूगल पे मिल जाएगा। चलिए बहुत बड़ी बात है, मराठी बसता है, मराठी में एक गाना हो जाए। हाँ, अधीर मन साले मधुर घन गाले धुक्या तुनी नभातले सख्या प्रिया सरी तुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले अधीर मन साले। बहुत बड़ी बात है, इतनी भाषाओं में कैसे सीखी? शुरू से रुचि था कि अलग अलग भाषाओं में गाना है, या फिर कैसे, मतलब किसी को देख कर ये आइडिया आया? जैसे कि मेरे रूट्स जो हैं मगही भाषा से जुड़े हुए हैं। मैं जहाँ रहती हूँ आस पड़ोस में मैथिली बोलते हैं लोग, मेरे नानी घर भोजपुरी बोलते हैं, तो ये पूरा ना ऐसा मिश्रण हो गया। फिर जो मेरी आइडल हैं लता जी, वो भी काफ़ी सारी भाषाओं में गाती थी, और अभी श्रेया जी जो हैं इतनी फेमस सिंगर हैं बॉलीवुड की, वो भी हर भाषाओं में गाती हैं। तो क्या होता है ना, गाने पसंद आते हैं, धुन पसंद आते हैं, लिरिक्स तो चाहे जो भी हो, सुर रहना है, फील रहना है, धुन रहना है, तो लिरिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो भी और भाषा और सीख रही हैं? कोशिश करूंगी कि और भी भाषा मैं सीखूं और गाऊं। चलिए, जो भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी भी ख्वाहिश है कि वह गायक बने, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी साथ नहीं देती है, या फिर परिस्थिति साथ नहीं देती है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी अपने तरफ से? जितने भी लेजेंड्स को आप देखेंगे, किसी की भी परिस्थिति जो है ना उनके इच्छा के अनुसार नहीं होती, ना मेरी है, ना आपकी है, ना जो लोग देख रहे हैं उनकी है, किसी की भी परिस्थिति साथ नहीं देती। वो इसलिए है कि जब हम बड़ा करने का सोचते हैं तो भगवान उतना ही बड़ा, उससे भी बड़ा टेस्ट लेते हैं। अब जो पास कर गया वो बड़ा बन गया, जो फेल कर गया वो बैठ गया, फिर उससे कुछ नहीं हुआ। तो फेल नहीं करना है, टेस्ट में पास करना है, जितनी भी मुश्किल आए झेलना है, चाहे वो इकोनॉमी हो। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब आपको असीम इच्छा होगी ना सीखने की, कभी आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपको ऑनलाइन सीखना, आपके पास फ़ोन नहीं रहेगा, हो सकता है आपके पास रिचार्ज कराने के पैसे ना हो, लेकिन जो इच्छा होती है ना वो आपको कैसे भी ना कैसे करके उस तक ले जाती है। आप कैसे भी सीख लीजिएगा, जिसको सीखना है अभाव में सीख के वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। एग्जाम्पल दूंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाय बेचते थे ना, चाय बेच के वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इतने सारे सिंगर हैं, लता जी की जीवनी जब आप देखेंगे, इतना कठिन उनका जीवन, इतना कठिन, फिर भी उनको जहाँ जाना था वो पहुँच गए। तो जितने भी लोग हैं, अभी शाहरुख खान जी को लोग बहुत मानते हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, उन्होंने अपने मूवी की पहली मूवी की जो टिकट थी वो खुद से बेची थी काउंटर पर बैठ के। आप उनका बायोपिक देखेंगे आपको पढ़ने मिलेगा। तो क्यों बेची? उनको खुद पे विश्वास था कि हम कर सकते हैं। तो जब करना होता है तो बस करना होता है, कोई बहाना नहीं। मेरे पास पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी जाने के लिए, मैं छूट गई। जब करना होता है कोई बहाना नहीं चलता। एक लाइन मेरे गुरुजी बोलते हैं जो मैंने लिख के कॉपी में रखी हुई है, एक्सक्यूजेस हैव नो यूजेस, बस सक्सेस देखते हैं लोग बस। चलिए, तो बहुत बड़ी बात देख सकते हैं कि काफ़ी कम उम्र में इतना अच्छा संस्कार, अनुशासन इनको सिखाया गया है। और साफ तौर पर यह कहना है कि खुद में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अगर इच्छा रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी, तो
तो आप किसी को भी किसी भी काम को कर पाएंगे, और कोई भी रोड़ा अगर आपके जीवन में आता है तो उसे आप आसानी से पार कर सकते हैं। तो हनी प्रिया का गाना आपको कैसा लगा? साथ ही साथ इनके दोनों भाई जो हैं, इनका हमेशा साथ देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, इन सभी लोगों को काफ़ी शुभकामनाएं हैं। उनकी माता जी जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैठी हुई हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं का प्यार दुलार है ताकि इनके बच्चे जो हैं आज इतने अनुशासित हैं और इतने अच्छे ढंग से जो है ये गायन करते हैं, तबला बजाते हैं, वहाँ हारमोनियम बजाते हैं, और बड़ा अच्छा ही जो है संस्कार इन्हें मिला हुआ है। तो हनी प्रिया के बारे में क्या विचार हैं, इनका गाना आपको कैसा लगा, आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।